गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर वन चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने है डेट ऑफ फायर 1 सितंबर, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ, डिस्टर्बेंस है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट इज 5 मंथ। इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ है, डिसलोकेशन पीरियड या डिस्टरप्शन पीरियड इंडेमनिटी पीरियड से लोअर होना चाहिए, तो हो रहा है। सम इंश्योर मतलब होता है आपका पॉलिसी वैल्यू, 6 लाख रुपया सेल है प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर सेल या फिनेंशियल ईयर सेल, जीपी रेट निकालने में काम आएगा। यहाँ देखो आप नेट प्रॉफिट 36,000 है, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 72 है, इस दोनों को प्लस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, 6 लाख से रेट आ जाएगा। रेट ऑफ जीपी दिया हुआ भी है, फिर भी एक बार निकाल के चेक कर लेंगे। अनइंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस 6,000 है, डिसलोकेशन डिस्टर्ब पीरियड का सेल टर्न ड्यूरिंग द डिस्टर्प्शन पीरियड 67,500, ये एक्चुअल टर्न ओवर ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड है। यहाँ देखिए नाम दे दिया है एनुअल टर्न ओवर, एनुअल टर्न ओवर 6,60,000 है। स्टैंडर्ड टर्न ओवर नाम दिया हुआ है, देखिए 1 सितंबर से 1 फरवरी प्रीवियस ईयर में नाम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टर्न ओवर 2,25 और ये हो गया एक्चुअल। यहाँ देखिए इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, एडिशनल एक्सपेंस है 12,000 और सेविंग है 4,500, ये वर्किंग नंबर 5-4 में काम आएगा। यहाँ देखिए जीपी रेट को 2% बढ़ाना है और इंक्रीजिंग ट्रेंड 10% है, एक नया इन्फॉर्मेशन है, रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 30,000, ये जो एडिशनल खर्चा किए हैं 12,000 ड्यू टू दैट एक्सपेंस हमारे बिजनेस का सेल हुआ है 30,000, दिस 30,000 इज कॉल्ड एडिशनल टर्नओवर। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। हम लोग एक नंबर करते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इसके लिए ले आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ था 36,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज 72,000, इसको ऐड करेंगे 1,08,000। क्लियर, यहां लाते हैं 1,08,000 डिवाइडेड बाय 6,00,000 इंटू 100, दैट इज 18%। अब क्वेश्चन में बता दिया था जीपी रेट 18%, ये भी बोला है 2% इंक्रीज होगा, जीपी रेट अप्लीकेबल विल बी 18% प्लस 2%, दैट इज 20%। क्वेश्चन में बोला है जीपी रेट को आप 2% इंक्रीज करा लोगे, तो जो जीपी रेट 18% आया है 20% अप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर की तरफ, स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल, स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल में लाते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर के नाम से दिया हुआ था आपका 2,25,000, इसको हम लोग इंक्रीज कराएंगे अपवार्ड ट्रेंड 10% है, 22,500 इंक्रीज करा देंगे, 247,500 इसमें से माइनस होगा एक्चुअल सेल ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड, जितना दिन हमारा बिजनेस फायर के बाद डिस्टर्ब था
उस पीरियड का सेल माइनस करेंगे दैट इज आपका आएगा 67,500 है, तो ये 1,80,000 आ जाएगा। 1,80,000 इज शॉर्ट सेल, इसके ऊपर वर्किंग नंबर 3 कर देंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है शॉर्ट सेल इनटू रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल इज 1,80,000 और रेट ऑफ जीपी हम लोग 20% अप्लाई करेंगे, दैट इज अमाउंट आ गया आपका 36,000। ओके, तो सबसे पहले रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट कर लिए, स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल आया, देन लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया। एक वर्किंग कर देते हैं बिना नंबरिंग का, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, क्वेश्चन में एनुअल टर्नओवर दिया था 6,60,000, इसको हम लोग 10% इंक्रीज कराएंगे दैट इज 110%, फिर उसका 20% करेंगे। ठीक है, जीपी निकालना है, 6,60,000 एनुअल टर्नओवर दिया हुआ है, 10% उसको बढ़ा देंगे देन 20%। ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा 145,200। ठीक है, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 6,60,000 दिया था, 10% उसको इंक्रीज करा दिए, जीपी रेट 20%, रिजल्ट हो गया 145,200। ओके, अब आते हैं वर्किंग नंबर 4, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस। हमारा जो बिजनेस डिसलोकेटेड था ड्यूरिंग दैट पीरियड, हम लोग कुछ खर्चा किए होंगे, अपना बिजनेस को शिफ्ट किए होंगे, तो इसको बोलते हैं लोअर ऑफ फॉलोइंग। लोअर ऑफ फॉलोइंग में ए नंबर एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, या इसको एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग भी बोलते हैं, वो कॉस्ट ऑफ वर्किंग के नाम से क्वेश्चन में दे रहा है, वो है 12,000। बी नंबर जीपी ऑन एडिशनल सेल, ये जो एडिशनल एक्सपेंस किए ड्यू टू दैट हमारा 30,000 का सेल हुआ था, उसका 20% करेंगे 6,000। और सी नंबर है एक्चुअल एक्सपेंस इनटू, ऊपर है जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर और डिवाइडेड बाय भी वही है जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, लेकिन नीचे वाले में प्लस करेंगे अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। यहां देखिए आप एक्चुअल एक्सपेंस है 12,000, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर आया था 145,200 डिवाइडेड बाय 145,200 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज क्वेश्चन में था 6,000। क्लियर, आपका इसका रिजल्ट आया 11,524। अब देखिए इसमें बिंग लोअर वाला केस में 6,000 होगा बिंग लोअर। ठीक है, फिर से एक बार देखिए एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस में जो एक्चुअल एक्सपेंस होगा उसको रखेंगे, एडिशनल सेल पे जीपी 6,000 और ये एक्सपेंस का प्रोपोर्शनेट किए 11,524, लोअर आया आपको 6,000। अब इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट की तरफ लेके जाएंगे, नंबर 5 होगा स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम में वो जो हम लोग का लॉस हुआ था, लॉस ऑफ प्रॉफिट वर्किंग नंबर 3 में था 36,000, इसमें प्लस होगा एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस, वो था 6,000, रिजल्ट इज 42,000। इससे एक चीज माइनस हो सकता है अगर क्वेश्चन में है तो, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज, जो हम लोग का स्टैंडिंग चार्जेज है उसमें कुछ रिडक्शन दे देता है दैट इज 4,500। ये रिजल्ट आ गया आपका 37,500।
दिस इज आवर ग्रॉस क्लेम। 4,500 का सेविंग था, माइनस कर दिए, अब फाइनल आंसर नंबर 6 नेट क्लेम। नेट क्लेम का फॉर्मूला है अपना ग्रॉस क्लेम डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू है पॉलिसी वैल्यू। हम लोग का ग्रॉस क्लेम आया है 37,500, जीपी था 145,200, पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में सम इंश्योर्ड के नाम से था 1,08,000। यहां से आंसर आएगा, ओके, यहां आंसर आया 27,893। ठीक है, तो पहले आप देख लो वर्किंग नंबर 5 किए, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस वर्किंग नंबर 4 समझाए थे, उसके बाद 5 में लाए ग्रॉस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट 3, एडिशनल खर्चा 4, ऐड किए, सेविंग माइनस किए। ये आपका नेट क्लेम का फॉर्मूला है, ग्रॉस क्लेम डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू पॉलिसी वैल्यू। आंसर आ गया 27,893। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, मेरे साथ साथ एक एक वर्किंग सॉल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।